नाम बताइए। मेरा नाम संजय बेडिया गिरगांवकर, मुंबई बीजेपी से। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मतलब क्या? कल चुनाव का दिन है और लोगों को एक सही संदेश जाए और एक संदेश के हिसाब से लोग अपना अपना वोट करें, उनको एक जानकारी मिले, ये एक लोगों को अवेयरनेस के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। क्या मामला है कुछ खास? नहीं, मामला तो कुछ खास नहीं है। मामला तो जो कल जो चुनाव है और उसके अंदर जो राज ठाकरे जी ने पिछले दिनों एक उनका डायलॉग बड़ा फेमस हुआ, लाओ रे वीडियो, उस पर पूरी महाराष्ट्र ने पूरे देश की नजर लगी हुई है और उस उनके उस भाषण से इतना इम्पैक्ट हुआ है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा मन से तय कर रही है, जो चुनाव नहीं लड़ रही पर प्रचार कर रही है और वह महाराष्ट्र की दशा और दिशा तय करने जा रही है। तो उनके हमारे भारतीय जनता पार्टी मुंबई की क्या माइनस पॉइंट है उस बताने के लिए मैंने आपको आज इनवाइट किया। किस तरह का माइनस पॉइंट है? मैंने और आशीष शेलार ने तकरीबन एक ही साथ राजनीतिक में प्रवेश किया। हम युवा मोर्चा में साथ में थे, हर जगह साथ में थे, प्रमोद महाजन के साथ में थे। तो जब अब उनसे बात करते हैं तो उनकी जो घमंड का जो एक नेचर है, एक कॉरपोरेट का नेचर है, एक बड़े बिजनेसमैन जैसा एक नेचर है, एक इतने पैसे वालों का नेचर है। और मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूँ और उसके बाद मैं मेरे आगे की व्यथा आपको बताता हूँ, आप लोग सुनिएगा। हेलो, हाँ आशीष भाई नमस्ते। हाँ क्या हुआ भाई? आशीष भाई कंसल्ट करिए ना संगठन में, 9 साल के बाहर हूँ मैं। ऐसा कोई जरूरी है क्या कि आपको भी ले तो संगठन चलेगा? नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, पर और सबको भी लेते तो मुझे भी ले सकते हो। बात करिए संगठन मंत्री जी से, बोलिए आपने बताया, बार बार SMS कर रहे हो। मैं किसको बोलूँ आशीष भाई, आपको ही बोलूंगा दिल की बात। तो आप तो स्थानीय स्तर पे काम करिए ना, रोका है किसने आपको? कर ही रहे हैं ना, वो तो वहाँ तो स्थानीय स्तर पे तो कर ही रहे हैं सब चीज। आपका आवाज आप संगठन में लेंगे ही नहीं सर, तो कैसे काम करूंगा? आपका आवाज नहीं आ रहा है। आप मुझे लेंगे ही नहीं संगठन में तो कहाँ काम होगा? स्थानीय स्तर पे काम करिए, आपको रोका नहीं किसी ने। यू कैन डू द वर्क, प्लीज डू द वर्क। स्थानीय स्तर पे काम करिए, थोड़ा मुझे जवाबदारी तो दीजिए आप, कोई भी। हेलो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दीजिए। हेलो हेलो, अब हेलो हेलो कर रहे हैं, उनको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही। 35 साल से हम दोनों एक साथ पार्टी का काम हमने शुरू किया और आज वह कहते हैं कि आप संगठन में आएंगे तो संगठन चलेगा क्या? तो मेरा आशीष से कहना है कि आप राम कदम को लेंगे, आप दड़ेकर को लेंगे, आप ऐसे लाड़ को लेंगे जो करोड़पति अरबपति लोग हैं और बाहर से इंपोर्ट कर क्या संगठन उनसे चलेगा? क्या पार्टी की आइडियोलॉजी वो तय करेंगे? क्या पार्टी की आइडियोलॉजी वो फॉलो करेंगे? तो मेरा कहना यह है कि कल जो 6 सीटों पर चुनाव है मुंबई के अंदर, अगर उसके अंदर कोई भी सीट हम हारते हैं तो उसकी जवाबदेही मुंबई के अध्यक्ष की होगी। अभी कहा कुछ डेढ़ एक महीने पहले का ही है। पर डेढ़ महीना पुराना ऑडियो, फिर आज रात को अचानक इलेक्शन के एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, मतलब नहीं तो आप ये सोचिए कि राज डेढ़ महीने से प्रचार कर रहा है और कल 4 बजे उसके विरोध में एक तोड़ कर आशीष शेलार ने कार्यक्रम किया है, तो उसके बाद मैंने ये बताया कि ये कमजोरी है। तो क्या आप इस्तीफा दोगे पार्टी से? क्या मतलब कहने का मतलब? मेरे पास तो खोने को कुछ नहीं, मैं इस्तीफा मांगने बैठा हूँ। अगर कल नुकसान होता है तो आशीष को इस्तीफा देना चाहिए। मेरा तो सीधा सीधा कहना है कि आप करोड़पति अरबोंपति नेताओं को इंपोर्ट करते हैं, आपने कोई गरीब मनसे का कार्यकर्ता, गरीब कांग्रेस का कार्यकर्ता जो बड़ा कमिटेड और बहुत अच्छा कार्यकर्ता है उनको पार्टी में लिया क्या? तो सर ये आप बीजेपी पे क्लेम कर रहे हो, आप आशीष शेलार पे क्लेम कर रहे हो या बीजेपी पे क्लेम कर रहे हो? मैं ऑफ कोर्स आशीष शेलार मुंबई का अध्यक्ष है उस पर कर रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी का नुकसान न हो इसके लिए लोगों को अवेयरनेस कर रहा हूँ। और किसी नेता से बात हुई थी? मैंने ये बात अमित शाह तक बताई है, अमित शाह को मैसेज किया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, प्रदेश अध्यक्ष को, नितिन गडकरी जी को, मैंने सबको व्हाट्सएप वगैरह और मैसेज के थ्रू सब सारी चीजें भेजी है। मतलब आपके हिसाब से जो है वो
आपने जो उंगली उठाई है तो बीजेपी पे कंफर्म उंगली उठाई है? मैंने आशीष शेलार पर उंगली उठाई है भारतीय जनता पार्टी। आपने बताया कि आपने व्हाट्सएप पे सबको मैसेज किया? हाँ मैंने किया है ना, और मैंने आशीष की शिकायत दर्ज कराई है कि आशीष का एटीट्यूड यह है, जमीन स्तर पर काम नहीं हो रहा है, जमीन स्तर पर काम नहीं है, संगठन टूटा हुआ है, सिर्फ चमचों की भर्ती हुई है, अपने आजू बाजू जो आशीष के चमचे हैं बस वही लोग काम कर रहे हैं, जवाबदारी उन्हीं को दी जा रही है, और कोई बाहर का पैसे वाला है उसको लिया जा रहा है, और अपनी लाइफस्टाइल कॉर्पोरेट से भी बढ़कर हो गई है उनकी। मतलब ये जो राज ठाकरे साहब ने बयान दिए हैं डेढ़ महीने से जो कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं ये बात पहले बोल चुके थे? ऑफकोर्स मैंने सभी नेताओं को कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी का इससे डैमेज होगा, पर ये अपने सिवाय किसी को हेवी वेट मानते ही नहीं आशीष शेलार। और जब राज ठाकरे ने डेढ़ महीने में इतने बाण चला दिए और इतना नुकसान हो गया, उसके बाद लोगों को पता चला, और कल दोपहर में आशीष ने सभा कर देखो ये वीडियो कर दिखाया, उसका कोई इम्पैक्ट होना नहीं था। और आशीष शेलार साम नाम दंड भेद कार्यकर्ताओं पर करता है, वो लोगों को झूठे एफआईआर में फंसा है। अभी अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैं कोई न्यूज चलाता हूँ तो उस वीडियो न्यूज को दबाने की यूट्यूब को दबाने की कोशिश करता है, कई जगह तो आवाज ही गुल करवा देता है। मुझे नहीं मालूम इस तरफ की राजनीति करने से उसका आगे कैसे सर्वाइव होगा। सर आपको नहीं लगता आशीष शेलार से फोन पे बात करने के बजाय आप उनसे एक बार मुलाकात करके सामने सामने बात? मैंने कम से कम पिछले 9 साल के अंदर उन्हें 50 फोन कॉल और 500 मैसेज किए हैं, जिसकी प्रिंट आउट मेरे पास है, अगर आप जब कहेंगे मैं प्रोवाइड करा कर सकता हूँ। नहीं बिल्कुल, इसको सीधे तरीके से अवेयरनेस है, चुनाव कल सुबह 6 बजे शुरू होने वाले हैं, और जब इसका रिजल्ट आए, अगर इसका हार का कुछ हो तो उसका ठीकरा उसके सर पर फूटे, मेरे तो क्लियर।